अंधविश्वास और टोटके की कई खबरें आपने देखी और सुनी होंगी, जिसमें किसी को किसी कुंड में नहाने को कहा जाता है तो कहीं रोड पर कुछ क्रिया करने को कहा जाता है, जैसा कि लोग अक्सर अंधविश्वास में करते हैं। ऐसे में एक मामला एमपी से सामने आया है, जहां बारिश न होने को लेकर के कई तरह के टोटके किए जा रहे थे, जिनमें से एक टोटका सुर्खियों में है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक अलग तरीके का टोटका किया गया है। यहाँ अच्छी बारिश की चाहत में लोगों ने पहले गधों से खेत हंकवाया, फिर जब इस टोटके के बाद अच्छी बारिश हुई, यानी लंबे इंतजार के बाद इंद्रदेव मेहरबान हुए और करीब एक घंटे तक जमकर बारिश हुई, तो लोगों ने खुशी में गधों को गुलाब जामुन खिलाया है। गुलाब जामुन खा रहे गधों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इंद्रदेव को खुश करने के लिए एमपी में कई तरह के टोटके ग्रामीण इलाकों में होते हैं। कुछ इलाकों में मेढकों को नगर भ्रमण कराया जा रहा है, जिसके बाद अब नया मामला चर्चा का विषय बन गया है, गधे को गुलाब जामुन खिलाने का टोटका। मंदसौर स्थित भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के गेट पर हुआ है। बता दें कि लगभग 20 दिन से बारिश की बेरुखी से लोगों और किसानों को चिंता होने लगी थी, फसल खराब होने लगी थी, कुएं और तालाब नदी नाले भी अब तक खाली थे। ऐसे में बारिश की कमी से बने चिंताजनक हालात के बीच मौसम विभाग ने राहत के संकेत दिए, जिसके बाद शनिवार और रविवार को मंदसौर जिले में झमाझम बारिश हुई। अभी भी जिले में बरसात सामान्य से कम है, ऐसे में टोने टोटकों का दौर जारी है। ये गधों को गुलाब जामुन खिलाने के गधों से बुआई करनी शमशान के अंदर, और वहाँ नमक और उड़द बोए जाते हैं। उसके बाद 7 दिन का समय रहता है। 7 दिन में इंद्र देवता कैसे भी करके हमेशा से परंपरा से चले आ रही ये रीत, और हमारे वरिष्ठ पहले करते आ रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। क्या जैसा समय पे और ये भगवान ने सुनी सभी की, तो अच्छी वर्षा हुई। ये जो आप करते हैं टोटका, ये पूर्वज से आपको? हाँ, पहले से, जैसे हमसे वरिष्ठ हैं सोन सिंह जी भदौरिया जी, इनसे वरिष्ठ पहले करते थे क्या, तो ये बहुत पुरानी परंपरा है। लगभग कितनी पुरानी परंपरा? ये कम से कम सोन सिंह जी की उम्र हो गई है 65 साल, और इनसे पहले इनको इनके पूर्वज बता गए, उस मान से हम भी करें। 200 सालों से चली आ रही? हाँ, चली आ रही परंपरा से ही क्या। और कभी सोन सिंह जी इनके वरिष्ठ, इनसे इनके पिताजी वगैरह, तो ये हमारे गांव से परंपरा चली आ रही क्या। मेरा भरत सिंह गोड़। अभी 7 दिन पहले एक तंत्र किया था शमशान घाट में, पूरी मीडिया आप सब भी वहां पर थे, और तंत्र किया था 18 तारीख के आसपास, और 7 दिन का समय था कि ये तंत्र जब गधों से बुआई कराते हैं वहाँ उड़द और उसकी नमक की, तो वहाँ बुआई करते हैं, तो 7 दिन का समय होता है। भगवान को प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो काम किया जाता है शमशान घाट में। तो 7 दिन होने पर कल पानी बहुत अच्छा गिरा, मंदसौर में 1.5 इंच बारिश हो गई है। 7 दिन के पहले ही पानी आ गया? हाँ, तो 7 दिन में के पहले ही पानी आ गया, तो उसी खुशी में जिन गधों ने वहाँ पर बुआई की थी उनको गुलाब जामुन खिलाकर उनका सम्मान किया, और जो पानी की इतनी ज़रूरत थी, हर इंसान हर जीव को पानी की ज़रूरत है, और बहुत सारी खींच हो गई थी और बहुत आती आवश्यकता थी, और इसलिए तंत्र किया था उसको, उसमें सफलता मिली। क्या तंत्र ये सफल रहता है? हर बार करते हैं? हर बार करते हैं। आपने अगली बार भी देखा हो, अगली बार भी हमने गधों को गुलाब जामुन खिलाए थे, वो आपने शूट भी किया था, आपने अगली बार भी वीडियो बनाया था, और अगली बार भी पानी की खींच हुई थी, तो जब पानी गिर गया था अच्छा, तो गधों को गुलाब जामुन हमने अगली बार भी खिलाए थे, और ये लगभग लगभग सफल होता ही है। आपका संजय पवार। कुछ दिन पूर्व चंद्रपुरा क्षेत्र के ग्रामीणों ने शमशान में काल भैरव की पूजा कर गधों से हल खिंचवा कर खेत जोते, इतना इन्हें ग्राम प्रधान को गधे पर बिठाया गया। माना जा रहा था कि इस टोटके से बारिश होती ही है। गुरुवार को इंद्रदेव मेहरबान हुए और शहर सहित जिले में झमाझम बारिश हुई, जिसे आम लोगों सहित किसानों के चेहरों पर भी खुशी देखी गई। यही वजह है कि रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए उज्जैनी मनाई गई, तथा सर्व समाज द्वारा प्रार्थना रैली का भी आयोजन किया गया। इंद्रदेव के प्रसन्न होने और गधों वाला टोटका काम आने पर लोगों ने गधों को गुलाब जामुन भी खिलाए। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।